दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ रिया चक्रवर्ती को लेके। एक अलग ही पर्सपेक्टिव चला जिसके अंदर ये कहा गया कि इनके पीछे विच हंट किया जा रहा है। बहुत से मीडिया चैनल्स इनके पीछे विच हंट कर रहे हैं, भारत की जनता इनके पीछे विच हंट कर रही है। वो कुछ ढूंढना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये दोषी है, कहीं ना कहीं सुशांत की मृत्यु में इनका साजिश है, इन्होंने कुछ गलत किया है। लेकिन ये कौन कर रहा था? ये लेफ्ट मीडिया कर रहा था और लेफ्ट मीडिया इस चीज़ को प्रकाशित कर रहा था। महाराष्ट्र सरकार इस चीज़ पर बात कर रही थी कि रिया यहाँ पे विक्टिम है और रिया के पीछे पूरा का पूरा एक लॉबी पड़ चुकी है और वो उसको आरोपी घोषित करना चाह रही है। लेकिन ये चीज़ कहाँ से निकली, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि जो लोग उनको प्रिवेंशन कर रहे थे, जो रिया के लिए जस्टिस फॉर रिया की बात कर रहे थे, वो किस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे थे। और ये जो बात की जा रही थी रिया चक्रवर्ती को लेके लोग कि भाई ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश का हिस्सा है, वो कहाँ से निकला, तो इसको हम समझेंगे। और इसमें हम बात करेंगे आज क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की। अब आप यहीं पे थोड़ा समझ चुके होंगे क्योंकि ये नाम सुशांत की मृत्यु के बाद बहुत ज़्यादा निकल के आया, क्योंकि दिशा की मृत्यु होती है उसमें भी इनका लिंक इस कंपनी से निकलता है। और सुशांत सिंह राजपूत ने तो हायर ही कर रखे थे मैनेजर इस कंपनी से, और दिशा सल्यान के भी मैनेजर इसी कंपनी से थे। तो आप इस चीज़ को समझ जाइए कि क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है, ये मैनेजर प्रोवाइड करती है जो आपके काम, आपकी पीआर एक्टिविटी, इन सब चीज़ों को देखते हैं। आपकी छवि इंटरनेट पर अच्छी जाए, क्या जाए, आपको कैसे सारी चीज़ें करनी है, सारा मैनेज करने का ये काम उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि ये कंपनी है जो आपको मैनेजर प्रोवाइड करती है और आप उस सर्विस का पैसा देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है सुशांत की जब मृत्यु होती है तो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी आके FIR दर्ज करवाते हैं, जिसमें कहते हैं कि सुशांत के खाते में जो रुपए थे 15 करोड़ रुपए, वो गायब हैं, रिया चक्रवर्ती ने उसको भाई चुरा लिए हैं। तो इसमें एबेटमेंट ऑफ सुसाइड की FIR जो हुई है उसमें रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वाले मुख्य आरोपी हैं। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई कि FIR हो जाती है रिया चक्रवर्ती के ऊपर कि उन्होंने पैसों की हेराफेरी की सुशांत सिंह राजपूत के खाते से। ED बैठती है, ED जाँच करती है। अब ED की जाँच में देखो एक चीज़ निकल के आती है कि रिया चक्रवर्ती मेन टारगेट होता है ED का, क्योंकि FIR में नाम है पैसों की, भाई जहाँ पे 15 करोड़ रुपये कहाँ गए, ED आती है। क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी घेरे में घिरती है। और आपको पता है यहाँ पे जब व्हाट्सएप चैट्स निकल के आती है ED के पास रिया की, तो पता लगता है रिया चक्रवर्ती ड्रग्स में भी हैं, तो NCB की एंट्री हो जाती है। NCB भी यहाँ पे रिया चक्रवर्ती को लेके जांच कर रही है सुशांत की मृत्यु के बाद, ED जांच कर रही है। और जांच सारी कहाँ जा रही है, सुशांत का पैसा कहाँ गया और रिया चक्रवर्ती जो ड्रग्स में इन्वॉल्व थी, ठीक है। ED की जांच आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचती है कि भाई रिया के जो ट्रांजेक्शन है, उनके बैंक खाते जो हैं, उसमें पैसा आ रहा है क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से। आप समझ रहे हैं, ये वो कंपनी है जो पैसा लेती है एक्टर से अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मैनेजर देने के लिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी इनको मैनेजर भी दे रही है और पैसा भी दे रही है। बट यहाँ पे कैच है, आपको बता दूं कि ये पैसा सुशांत को नहीं दिया जा रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ रिया को दिया जा रहा था। अब एक ट्रांजेक्शन निकलता है सुशांत के अकाउंट से कि 10 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से क्वेन में ट्रांसफर हुए। तो इसके ऊपर जब पूछा गया तो इनकी जो मैनेजर तो क्या कह रही है कि ये जो पैसा पूरा यहां से वहां ट्रांसफर हुआ है ये कमीशन है। यानी कि जैसे कि आप समझ गए कि मैनेजर का काम होता है, उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो डील्स करवाते हैं उसमें इनकी फीस होती है, वो मिल जाती है। तो यानी कि 10 करोड़ रुपये कमीशन है इनके काम के। तो सुशांत ने 100 करोड़ रुपये कब कमाए जो 10 करोड़ रुपए कमीशन है। तो ये क्लियर केस यहाँ पे समझ में आता है कि 10 करोड़ रुपए कंपनी को जाना एक साल का, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा झोल है। चलिए, लेकिन दूसरी पॉइंट जो मेजर पॉइंट है रिया चक्रवर्ती की, उसको क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्यों रुपए दे रही है, और एक साल के अंदर इन्होंने 40 लाख रुपए रिया चक्रवर्ती को दिए। तो मैं आपको कुछ आंकड़े पढ़ के सुनाता हूँ कि किस तरीके से ये ट्रांसफर कर रहे थे इतनी भारी भारी, मतलब इतनी भारी भारी रकम रिया के खाते में। यहाँ पे जो सबसे पहला ट्रांजेक्शन रिया के खाते में क्वेन करता है वो 12 मार्च 2019 को करता है। तो 12 मार्च 2019 से ये ट्रांजेक्शन चालू होते हैं जो कि 3,96,825 रुपीज़ का होता है। अब आप सोचिए, एक महीने में मतलब लाखों लाखों रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं रिया के खाते में। उसके बाद 3,68,098 21 अप्रैल 2019 को हो रहा है ट्रांसफर। ये सारे RTGS ट्रांसफर हैं। अब आप समझिए कि एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्यों पैसा दे रही है, ये सबसे बड़ा विषय बना। इसके ऊपर लोगों ने बात करनी शुरू की जब ये मीडिया में लीक हुआ। देखिए, आप समझिए, रिया चक्रवर्ती की छवि सुधारने के लिए जस्टिस फॉर रिया और
महाराष्ट्र सरकार कूद गई थी, लेकिन जैसे ये मीडिया में रिपोर्ट आती कि बैंक ट्रांजेक्शंस जो हैं उसमें क्वैन पैसा दे रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये कॉमन है, सवाल उठेगा, क्योंकि जनता जानना चाहेगी आखिर ऐसा क्यों है। जनता इसलिए पीछे नहीं पड़ी जो ये कुछ मीडिया चैनल्स ने ये दर्शाने की कोशिश की, क्योंकि भाई वो तो गर्लफ्रेंड थी, वो सुशांत के साथ रहती थी, इस वजह से वो भैया घेर ली। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ का जवाब दीजिए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, आपके खाते में क्यों आ रहा है इस कंपनी के द्वारा। तो ईडी इसके ऊपर जांच कर रही थी, जैसे कि भाई 2 मई को आया फिर 1,60,651, तो ये NEFT हुआ, तो इस तरीके से बहुत चले, बहुत से पेमेंट्स चेक के द्वारा हुए। तो ये पेमेंट जुलाई 2020 तक रहा। तो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी जून 2020 में, और उसके एक महीने बाद तक भी ट्रांजेक्शन रहा। बहुत से जगह ट्रांजेक्शन ये रहा कि इसकी माँ और इसकी बेटी के जो अकाउंट्स हैं उसमें भी पैसा गया, अब समझो। तो यानी कि पैसा फैमिली तक भी जा रहा था। तो एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्यों इनको पैसा दे रही थी, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। और ये गंभीर प्रश्न तब और ज़्यादा सीरियस हो जाता है जब आप ही के बॉयफ्रेंड, जो पैसा ले रही है उसके बॉयफ्रेंड की मृत्यु हो जाती है, और वो ऐसी संदिग्ध मृत्यु है जिसमें मर्डर के ऊपर बात चल रही है और आज CBI जाँच हो रही है। तो आप यहाँ पे बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती क्यों लोगों के द्वारा टारगेट हुई। इसमें कहीं पे भी कोई विच हंट नहीं था, उसको फंसाने की कोई साजिश नहीं थी, उसके खिलाफ ऐसे साक्ष्य हैं। आज तक इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आई है कि ये पैसा क्यों आ रहा था। बाकी यही चीज पे ईडी जांच कर रही थी, NCB आती, NCB इसी चीज पे अनुमान लेके चलती कि रिया चक्रवर्ती भाई इन ड्रग्स वाली जो चीज है इसमें इन्वॉल्व है, और इस वजह से वो पैसा दे रही है कंपनी उसको। तो क्वैन का नाम आपको अच्छे से पता है, ड्रग्स वाले लाइन में आया इनके भाई, ऑब्वियस सी बात है कि किस तरीके से ड्रग्स सप्लाई करते हैं ये वाली चीज़, तो इसका पैसा ये रिया को दे रहे थे। अब एक ही चीज़ हो सकती है, क्योंकि NCB कह रहा है चार्जशीट में रिया भाई एक धंधा चला रही थी ड्रग्स का, ये हो सकता है। दूसरा एक निकल के आया था कि हनी ट्रैप नॉर्मली क्या होता है कि लड़कियां बड़े बिजनेसमैन, अमीर जो लोग होते हैं उनको फंसा लेती है, उनसे पैसा निकलवाती है। तो जैसे कि आपको पता है क्वैन में सुशांत के अकाउंट से 10 करोड़ रुपए गए और उल्टा रिया चक्रवर्ती को 40 लाख रुपए आए, तो क्या ये कमीशन था? रिया सुशांत से लूट रही थी और इनका जो एक हनी ट्रैप वाला अगर सिस्टम है तो वहां पे पैसा जा रहा है और फिर इधर इसको कमीशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर प्रश्न उठा, और ये प्रश्न बहुत क्लियर है। ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि भाई लोग अटैक कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए, इसका जवाब मिलना चाहिए, जो रिया की तरफ से बिल्कुल नहीं आया। एक पब्लिक भाई, आप ऑब्वियसली बात है अपने आप को सेलिब्रिटी कहते हो सो कॉल्ड, और उसके बाद आप ये भी प्रूव करते हो कि आप सुशांत को बहुत प्रेम करते थे और आपको भी जस्टिस चाहिए सुशांत के लिए। रिया चक्रवर्ती का आपको ट्वीट ध्यान होगा जिसमें वो खुद मांग कर रही है अमित शाह जी से कि वो सुशांत की मृत्यु के पीछे का राज जानना चाहती है। तो उनकी एक ये ड्यूटी बनती है कि वो यहाँ पे आके क्लैरिटी देती, लेकिन उन्होंने ये सब करना उचित नहीं समझा। उन्होंने इवन इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई जी के साथ जाके एक इंटरव्यू दिया, हम सब ने वो देखा होगा, आज नहीं तो कल तो आपने वो इंटरव्यू कभी ना कभी सुना या देखा होगा, जिसमें ये क्लियरली कितने झूठ बोल जाती है। ये इमोशनल फूल बनाने की कोशिश करती है जनता को, जैसे कि आपने सुने होंगे कुछ इस तरह की बातें, सुशांत मेरे सपने में आए और ये सारी चीज़ें, आपको एक इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल आपके साथ खेला जा रहा है कि रिया सुशांत से कितना कनेक्टेड है। लेकिन जब कनेक्टेड होने की बात आती है तो यहाँ पे क्लैरिटी ये आती है कि रिया चक्रवर्ती उनके साथ रह के सिर्फ उनको लूट रही थी। अब यहाँ पे आपको ये भी पता है कि NCB ने भी भाई रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था, उसके भाई को गिरफ्तार किया था, क्योंकि ये ड्रग्स प्रोक्योर करते हैं और आगे सप्लाई भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या इंडिकेट करती है कि रिया चक्रवर्ती अच्छी है? बिल्कुल नहीं। ये चीज़ें यही इंडिकेट करती है कि रिया चक्रवर्ती के पीछे भाई जो भी बातें उठी, जो लोगों ने की, वो कहीं पे गलत नहीं थी। ये एक कॉमन सिटीजन का हक है भाई, पूछेगा अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो। ये इस तरीके से नहीं है कि उसके पीछे अटैक किया जा रहा है, लेकिन लिबरल मीडिया ने, लेफ्ट मीडिया ने इसको किस तरीके से भुनाने की कोशिश की कि रिया चक्रवर्ती के पीछे भाई ऐसे टूट चुके हैं, जबकि वो यहाँ पे विक्टिम है, एक लड़की के साथ बेरहमी की जा रही है। नहीं, यहाँ पे जवाब बनता है आप गलत हैं। बाकी अब बात आ जाती है ईडी की। अब आपको अच्छे से पता है ईडी ने इन सब चीज़ों पे जो काम कर रही थी, जो जान रही थी आखिर पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों आ रहा है और क्या रिया का पूरा खेल है, लेकिन ईडी शांत हो गई, खामोश हो गई, उसके बाद निकल के नहीं आई। तो ये एक वैलिड प्रश्न है ईडी से भी कि आखिर क्या सीन चल रहा है,
आप कैसे शांत हो जाते हो, रिया चक्रवर्ती के पास ये जो पैसा आया ये क्यों आया? देखिए बहुत वैलिड है और इसका जवाब मिलना जरूरी है, और मेरे को तो लगता है ईडी को अब तक तो उठा लेना चाहिए था कि क्यों एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी पैसा दे रही थी, लेकिन उसके बाद भी ईडी अभी तक किसी उस पर नहीं चली। अब आप बोलोगे भाई ईडी ऐसा क्यों कर रही है कि अभी तक रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं किया या कुछ भी उसकी चीज़ें सीज नहीं हुई। अब यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है कि रिया के पीछे बैक में कौन खड़ा है। आपको पता होगा महाराष्ट्र सरकार, वही उद्धव ठाकरे सरकार किस तरीके से रिया को प्रोटेक्शन दे रही है। अब उद्धव ठाकरे सरकार रिया को क्यों प्रोटेक्शन दे रही है अपने आप में वैलिड प्रश्न है, मतलब बहुत ऐसा प्रश्न है कि सरकार क्यों उतर आई एक मामूली सी रिया के लिए और उसके बचाव में। सरकार क्यों चाहती है कि भाई यहाँ पे, मतलब वो पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित चल रहे हैं सरकार महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की, सुशांत का सुसाइड ही है, कुछ भी हो जाए वो ये मानने को तैयार नहीं है कि इसके पीछे मर्डर हो सकता है। तो ये अपने आप में एक इस और इंडिकेट करता है कि आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया, यानी कि रिजल्ट आप पहले ही चुन चुके हो। जिस तरीके से आपको ध्यान होगा जो वीडियोस लीक हुए थे, मुंबई पुलिस पहले से डिसाइडेड थी कि ये सुसाइड है, मुंबई पुलिस पहले से वहां पे वीडियो में ये कहती नजर आ रही थी कि वीडियो लीक हो गया तो हमारी इन्वेस्टिगेशन बर्बाद हो जाएगी, यानी कि आप क्राइम सीन पे पहुंचते हो आपकी इन्वेस्टिगेशन पहले से प्री डिसाइडेड है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये इंडिकेट करती हैं कि सुशांत की मृत्यु में महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रही है, और इवन बहुत क्लियरली गलत कर रही है। तो रिया चक्रवर्ती के बैक में रहे उसका बचाव किया। अब आदित्य ठाकरे भी इसमें इन्वॉल्व होता है, किस तरीके से कि उनके नाम उठा कि आदित्य ठाकरे, उनका सुप्रीम कोर्ट में नाम उठा। अब रिया से पूछा जाता है एयू को लेके, क्योंकि इनकी कॉल डिटेल्स में एयू नाम से था जिनसे इनकी बात हुई, लेकिन वो कहती हैं कि भाई ये एयू जो है आगे से लेके आती है, आगे से ही अपने आप उठाती है, कि बहुत से लोग आदित्य ठाकरे कह रहे हैं मैं उनको जानती तक नहीं, आदित्य ठाकरे से मेरा किसी तरह से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो मेरी एक फ्रेंड है अनाया उदास समथिंग, इस तरह का उन्होंने नाम लिया और उसका वो शॉर्ट फॉर्म है एयू। अपने आप आगे से क्लैरिटी दी उन्होंने आके, चलिए। लेकिन बात उठती है कि रिया चक्रवर्ती, आपको दिखी होगी कि किस तरीके से वो डिनो मोरिया के घर गई थी। जी हाँ, आपने ये फोटोज देखी होंगी कि सुशांत की मृत्यु के बाद रिया डिनो के घर जाती है। अब ये डिनो मोरिया भी अपने आप में कुछ अजीब नजर आता है, क्यों? क्योंकि इनका एक वीडियो 13 जून का जो डिलीट हो जाता है बाद में, इनका लाइव स्ट्रीम किया था इन्होंने इंस्टाग्राम पे, जो डिलीट कर देते हैं, तो क्यों डिलीट किया ये लोगों के प्रश्न उठे उसमें, क्यों ये सारी बातें कर रहे हैं, आई एम अलाइव एंड इन दिस वीडियो। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें थी जो लोगों का प्रश्न खींची। इसमें एक और वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर ये देखा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि भाई ये डिनो मोरिया है जो सिद्धार्थ पिठानी के साथ सुशांत सिंह राजपूत का जो अपार्टमेंट है उसके नीचे से जो ऊपर सीढ़ियों में जाने का रास्ता है वहां से वो खड़े हुए दिखते हैं और वहां से वो अंदर भागते हुए दिखते हैं जब उनको नजर आता है कि कैमरा उनको शूट कर रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो डाउट क्रिएट करती है बहुत इनके ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया, डिनो मोरिया के घर पे रिया चक्रवर्ती दिखाई देती है सुशांत की मृत्यु के बाद। अब यही डिनो मोरिया किसके मित्र हैं? आदित्य ठाकरे के। आदित्य ठाकरे किस पे मेहरबान रहते हैं? डिनो मोरिया से। तो एक ये कनेक्शन बहुत क्लियर बनता है, जो हमें क्लियर एकदम समझ में आ रहा है कि डिनो मोरिया जो आदित्य को जानता है और रिया डिनो से मिलने जा रही है। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न समझ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से रिया को प्रोटेक्शन दे रही है और रिया किस तरीके से इस सरकार तक पहुँचती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई रिया चक्रवर्ती इनसे अनटच्ड है, बिल्कुल इनको जानती है, इनका कनेक्शन है। तो एक बड़ी चीज़ हो गई। तो दोस्तों वही चीज़ है कि क्यों टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी पैसा दे रही है, क्यों ईडी शांत है, क्या केस को प्रभावित किया जा रहा है, क्या रिया को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार इस स्तर तक जा चुकी है कि उन्होंने अपना संपूर्ण यहाँ पे कर दिया है, और वो करने की वजह से आज महाराष्ट्र सरकार गिर भी रही है। आपको पता है कि किस तरीके से अनिल देशमुख जी बेचारे भागे भागे फिर रहे हैं, परमवीर सिंह भागे भागा फिर रहा है। तो ये स्थिति यही है कि ये सारे वो लोग हैं जो सुशांत के केस में एक षड्यंत्र के रूप में काम कर रहे थे, आज ये खुद गिरते जा रहे हैं। तो वही चीज़ है कि ये लोग खुद के पैर पर अब कुल्हाड़ी मारने शुरू कर दी। बट रिया चक्रवर्ती अभी आराम से घूम रही है, जिसके ऊपर भी लोग प्रश्न कर रहे हैं, और जरूरी है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि ईडी यहाँ पे एक्टिव होए, और ये जो क्वेन वाला जो पूरा खेल है कि 40 लाख रुपए क्यों इसके अकाउंट में, इसके खाते में ट्रांसफर किए जा रहे थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मैंने सोचा आपको समझाया जाए कि जो लोग बहुत से बोलते हैं कि रिया के पीछे विच हंट किया, ये तो भाई एक साधारण सी लड़की है, ये एक वो लड़की है जिसको लोगों ने जबरदस्ती अत्याचार किया, इसने तो भुगता है, इसने अपने प्यार को खोया है, बट जो गतिविधियां हैं, जिस तरीके से इसकी हरकतें नजर आई, वो कुछ और ही दर्शाती हैं। तो इसीलिए प्रश्न उठना लाजमी है। बाकी ये जवाब दे देती, इसको अगर क्लैरिफाई कर देती तो समझ में भी आता, बट इसका कोई ये क्लैरिफाई दे ही नहीं सकती, क्योंकि क्यों एक कंपनी पैसा दे रही है जिसे आपको पैसा देना था। ठीक है, तो
तो गाइज इस वीडियो में इतना ही है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ पाएँ, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं जितना लेमैन की टर्म में, मतलब एक आम व्यक्ति की तरह आपको समझा सकूं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जो इस लाइन में है, इन सब चीज़ों को जानते हैं, वो तो समझ जाएंगे, आम व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझ पाता। तो मैंने उस स्तर पर जाके आपको समझाने की लगभग कोशिश की और मैं उम्मीद करूँगा कि उसमें मैं सफल रहा हूँगा। बट अगर थोड़ा सा भी इधर उधर रहता है या कुछ आपको अच्छा नहीं लगा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा उसके लिए। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नॉर्मली मैं जानता हूँ कि यूट्यूब आजकल नोटिफिकेशंस नहीं देता, तो अगर आप दुखी हैं कि भैया नोटिफिकेशन आएंगे मेरे वीडियोज़ को, लेकिन तब भी आप कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन नॉर्मली यूट्यूब नहीं भेजेगा। बट मेरे लिए अच्छा होगा कि जो सब्सक्राइबर काउंट है वो इंक्रीज़ होगा, तो ये मेरे को मोटिवेट करेगा आगे और अच्छा काम करने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। जय हिंद।